मम्मी की सौतन का खून हो। और उस सौतन का नाम गजल था। वो गजल जिसने कई साल पहले मेरी अम्मी की खुशियाँ उजाड़ी, उन्हें धोखा देकर मेरे अब्बू को उनसे छीन लिया। अरे पता भी है कैसे पैदा हुई हो तुम? तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ के कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। इबू आंखें खोलो। सुभान क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा मना। हाथ छोड़ने के लिए नहीं था मैं सुभान। अगर मुझसे प्यार करते हो तो इस इबादत की फिक्र करना बंद कर दो। इबादत आंखें खोलो मेरी बच्ची। कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बाजी आप फिक्र मत कीजिए, इबादत को सदमा लगा है। इबादत आंखें खोलो। इबादत इबू बेटा सुबह जल्दी कर, इबादत को इसके कमरे में लेकर चल। सुभान क्या कर रहे हो? कहां जा रही? खबरदार जब भी इबू और सुभान की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। सही कहती थी कि तुम एक नागिन हो नागिन, और आज तुमने मेरी इबादत को डस लिया है। पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक, मिल गया तो तुम्हें चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बहन जिसने तुम्हारे लिए हजारों कुर्बानियां दी, आज एक झटके में तुमने उसकी सारी खुशियां खत्म कर डाली। आज तुम्हें सुभान और इबादत के रिश्ते पर नहीं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर वार किया है। क्या कहा था तुमने? इबादत मेरी औलाद नहीं है। अरे इबादत के अखलाक, इबादत की तहजीब बताती है कि वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन तुम तो बेटी के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। शर्म आती है मुझे बेटी कहते हुए तुम्हें। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए मर गई। तुमने मुझसे पहले सुभान को छीना था, आज तुमने मुझसे मेरी अम्मी को भी छीन लिया। मैं बदला लूंगी इबादत, ऐसा बदला लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा से है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई परेशानी इबादत को नहीं है। आई थिंक घर में शादी का माहौल है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से इनका BP हाई हो गया है। डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दिया है, उम्मीद करती हूँ थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। होश में आने के बाद अगर इन्हें चक्कर आता है या ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके आइएगा। मैंने ये मेडिसिन लिखा है, आप इसे मंगा लीजिएगा। जी डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। या इबू आंखें खोलो, अपनी अम्मी से बात करो। इबू तुम्हारी अम्मी का दिल इतना सख्त नहीं है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दम घुटा जा रहा है। बू मुझसे बातें करो, कुछ तो बोलो।